अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी को शेयर करूंगी। ये फ्राई हरी मिर्चें हैं, इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप इसको रोटी, चावल, नान, पराठे हर किसी के साथ ले सकते हैं और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, आप हरी मिर्चें अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लें, पेपर टॉवल से इसको पोंछ लें ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको मैं 2 पीसेस में कर लूँगी। दो चम्मच मैंने तेल लिया है सरसों का, 1/4 चम्मच राई दाना है, 1/4 चम्मच कलौंजी है। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। राई और कलौंजी को मैंने 5 से 10 सेकंड तक फ्राई कर लिया है, इसके अंदर से अच्छी से खुशबू आने लग गई है। ये 3 जवे लहसुन के, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और जो मैंने हरी मिर्चें काटी थी ये भी डाल दूंगी। मैंने इसको हाफ हाफ किया हुआ है, आपको अगर साबित रखना है तो आप साबित भी रख सकते हैं। और बस इसके अंदर पंक्चर कर दिएगा ताकि वो उड़े नहीं। 1/2 चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया है, 1/2 चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा है, 1/2 चम्मच नमक है। सबको डालकर फ्राई करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच सौंफ है, सौंफ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको इतनी देर फ्राई करना है कि मिर्चें हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और मिर्चों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये फ्राई अचारी मिर्चें हैं, इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आजकल तो हरी मिर्चें बहुत ही अच्छी वाली आई हुई हैं, मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्चों का बनाया है। ये वाली मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है तो आप इसे ज़्यादा भी खा सकते हैं। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, आप इसको किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपको टेस्ट में इसका ऐसा लगेगा जैसे आप मिर्चों का अचार खा रहे हैं। ये देखें मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये वाइट वाइट सी हो गई हैं सारी, बस इतनी हमें फ्राई करनी है। इसे चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, जिस तरह के दम की आँच होती है। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस डालनी हूँ। मैंने 6 टीस्पून लेमन जूस डाला है। लेमन जूस डालकर इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि लेमन जूस जो है वो सारे मिर्चों के अंदर तक चला जाए। और लो फ्लेम पे ही पकाना है इसे, फ्लेम को मीडियम नहीं करना है। बस ये 1 से 2 मिनट में ही सारा जूस जो है वो ड्राई हो जाएगा। ये देखें सारा जूस ड्राई हो चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारी अचारी फ्राइड मिर्ची तैयार है। इसका जो ये ऑयल है ये बहुत ही मज़ेदार होता है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।